से याद हो जाएंगे। तो इसी के साथ ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर खत्म होता है। जुलाई जुलाई स्टूडेंट, कल हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन किया था, तो उसमें हमने लव फिलिक किया था और लव फोबिक भी हमने प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले ब्रोमीन मोमेंट जो एक प्रॉपर्टीज है कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो हम करेंगे। सबसे पहले हम इसको रॉबर्ट ब्रोन ने स्टडी किया था इन 1827 में, ठीक है बच्चों। देन इस मोशन को जो जो कि मोमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, उसको रॉबर्ट मोमेंट कहते हैं, क्योंकि रॉबर्ट ब्रोन ने डिस्कवर किया था, यानी कि सबसे पहले स्टडी किया था, ठीक है। हम डिफाइन करेंगे बच्चों ब्रोमीन मोमेंट को, व्हेन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एंड द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन अंडरगो सीसलेस रेंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन, ये है हमारा एक कंटेनर है जिसमें हमारा, हमने क्या लिया ले, कोलाइडल सॉल्यूशन, ब्रोमीन मोमेंट ने क्या लिया ले, कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स पार्टिकल्स आते हैं ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या देखा उसने, क्या देखा कि ऐसा वाला मोशन देखा जो कि बिल्कुल जिगज़ैग मोशन और रेंडम मोशन देखा था बच्चों, पार्टिकल्स का रेंडम मोशन। ये कैसे कॉजेस होता है, तो उसने स्टडी किया, तो वहाँ पे जो डिस्पर्शन मीडियम है और डिस्पर्शन पार्टिकल दोनों है। डिस्पर्शन मीडियम जो क्या करता है, किनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करता है डिस्पर्स फेयर्स पार्टिकल को, तो ये जिगज़ैग मोशन का मोमेंट उसने नोटिस किया था। तो ये जो जिगज़ैग मोशन जो है, ये दिस इज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्लाउड्स के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, बल्कि इट इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इन द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो जितना ज्यादा साइज जो पार्टिकल का साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड सेकेंड किस पे डिपेंड होता है, ले विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो जितना विस्कोसिटी कम होगा उतना रेंडम मोशन ज़्यादा नोटिस में मतलब दिखाई देगा, और जितना साइज छोटा होगा उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो यहाँ पे मैंने चार्ट पे थोड़ा सा मैंने छोटा सा डायग्राम आप लोगों को दिखाया है, यहाँ पे जो गोल्स जो डॉटेड है वो पार्टिकल्स है, डिस्पर्स पार्टिकल है बच्चों, ठीक है। तो ये जो एरो वाला डायरेक्शन जो है मोमेंट है बच्चों, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज zigzag मोशन एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय रॉबर्ट ब्रोन ने स्टार्टेड किया था, ठीक है बच्चों। तो इस प्रोसेस में जो है आप जो zigzag मोशन होने की वजह से ये स्टेबल रहता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये जो कोलाइडल सोल है ये स्टेबल सिस्टम ऑफ टू फेजेस है ना, तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो मूव करता है, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन में स्टेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रोसेस से ये भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एवोगैड्रो नंबर जो कि हम इस प्रोसेस से डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो करेंगे हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है। टाइडल इफेक्ट टाइडल ने स्टडी किया था, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। टाइडल इफेक्ट स्केटिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल एंड मेकिंग द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल थ्रू द डिस्पर्शन। उसने क्या किया था, दो सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन उसने लिया था, तो ट्रू सॉल्यूशन लिया था और कोलाइडल सॉल्यूशन लिया था, ठीक है। तो एक एक करके उसने स्टडी किया था, सबसे पहले लाइट को पास किया लेंस के थ्रू, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू पास किया, ठीक है। तो वहाँ पे क्लियर बीम का जो पाथ जो वो क्लियर दिखाई दे रहा था, तो यहाँ से क्यों फिर ट्रू सॉल्यूशन में क्यों डार्क दिखाई दे रहा था और इसमें क्यों वो पाथ क्लियर हो रहा था, तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रू सॉल्यूशन में है इसमें पार्टिकल के साइज बहुत छोटा होता है बच्चों, तो ये ट्रू सॉल्यूशन जो है सिंगल फेज में एग्जिस्ट होता है ना, तो ये है होमोजेनियस मिक्सचर, सो यहाँ पे जो पार्टिकल्स का साइज है बहुत छोटा होगा, फिर लाइट जो है उस पार्टिकल्स को स्ट्राइक करता है लेकिन वहां से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो ये लाइट का स्केटिंग और बीम क्लियर उस समय होगा जब पार्टिकल का साइज जो है, डायमीटर का साइज जो है स्मॉलर नहीं होना चाहिए बच्चों। वेव लेंथ लाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, उस वेव लेंथ से स्मॉलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर हम यूज़ इसलिए करते हैं क्यों, टू डिस्टिंग्विश द ट्रू सॉल्यूशन एंड द कोलाइडल सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो लाओफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि लाओफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन में ये वाला प्रॉपर्टीज दिखाई नहीं देगा हमें, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट हम करेंगे चार्ज ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। कोलाइडल सोल, हम उसको सोल भी हम कहते हैं बच्चों, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज मतलब जो भी पार्टिकल्स वहाँ पे होता है उसको मतलब वो चार्ज होते हैं बच्चों, ठीक है। तो सपोज हमने यहाँ पे लिया है एग्जांपल, कुछ एक एग्जांपल लिया है जिसमें नेगेटिव सोल का एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे है बीकर में जो है हमने एक्वस के वो एच का इलेक्ट्रोलाइट लिया है बच्चों, ठीक है। क्या लिया है इलेक्ट्रोलाइट, हमने लिया है पोटेशियम आयोडाइड। तो आयोनस हो जाएगा ना, अगर एक्वस सॉल्यूशन में लेगा तो आयोनस हो जाएगा। इस तरह से के पॉजिटिव और आई नेगेटिव, इस तरह से बहुत सारे आयोन्स यहां पे होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम क्या ऐड करेंगे, ले सिल्वर नाइट्रेट हम ऐड करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर सिंगल ड्रॉप एक ड्रॉप ऑफ सिल्वर नाइट्रेट हम इसमें डालेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या होगा, ये भी आयोनाइज हो जाएगा, सिल्वर पॉजिटिव और नाइट्रेट जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिल्वर और नाइट्रेट के साथ यहाँ पे आप पॉजिटिवली चार्ज जो है नेगेटिव के साथ कंबाइंड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव के चार्ज साथ कंबाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक डोप लिया है, तो यहाँ पे सिल्वर का पॉजिटिव चार्ज तो आयोडीन का नेगेटिव चार्ज के साथ क्या फॉर्म करेगा, ले कोलाइडल पार्टिकल फॉर्म करेगा। तो ये कोलाइडल पार्टिकल, इसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। ए जी I, इट इज द कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है बच्चों। तो इस कोलाइडल पार्टिकल जो है क्या करता है, यहाँ पे जो भी आयोन जो कि कॉमन है, इसको इसकी कॉमन है, जैसे कि सिल्वर है ना, यहाँ पे एक ही सिल्वर है, तो सिल्वर तो यहाँ बिल्कुल नहीं है बीकर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आयोडीन है ना, दूसरा आयोडाइड यहाँ पे है, ठीक है। तो बाकी जो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो सारा क्या है, ले पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, ले आयोडाइड है तो यहाँ पे डिपॉजिट होगा, एडसॉप्ट होगा बच्चों ये आयोडाइड। आयोडाइड को हम इस तरह से नेगेटिवली हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि द चार्ज ऑफ द आयोडीन इज नेगेटिव है ना। तो ये जो बिल्कुल इस सरफेस के ऊपर नेगेटिवली चार्ज पूरे के पूरा एडसॉप्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल शोज नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो इसको हम नेगेटिव सोल भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम नेगेटिव सोल कहते हैं। हम इस तरह से लिखते हैं सिल्वर नाइट्रेट जो कि हमने यहाँ पे ऐड किया, और आयोडीन जो कि के आई एक्सिस में हमने यूज किया है, बीकर में रखा है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट, ये कन्वर्ट हो गया सिल्वर आयोडाइड में, कन्वर्ट हो गया, पार्टिकल्स फॉर्म किया। तो ये जो पार्टिकल्स जो है वो उसके ऊपर जो एनायन एडसॉर्प्ट हुआ है, दैट इज आयोडीन इन दिस केस। सो आयोडीन इज नेगेटिव चार्ज, द चार्ज पार्टिकल इज होल ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारा, अगर दूसरा डोप डालेंगे तो दूसरा इस तरह से फॉर्म होगा, तीसरा डालेंगे तो तीसरा फॉर्म होगा, इसी तरह से फॉर्म होते जाएंगे। तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, ले रिपल्शन होगा, जैसे कि ये है दूसरा सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे नेगेटिव इस तरह से एडसॉर्प्ट होगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा बच्चों, ले रिपल्शन क्रिएट होगा। रिपल्शन क्रिएट होने की वजह से ये जो है सोल जो है कोलाइडल स्टेट में स्टेबल रहेगा। अगर रिपल्शन नहीं होगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ले प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। तो कोलाइडल फॉर्म में बैठने के लिए इसको चार्ज होना जरूरी होता है। अगर लाइक चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा, अगर अनलाइक चार्ज होगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव सोल इस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। इसी तरह से पॉजिटिव सोल भी फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने क्या लिया है, सिल्वर आयोडाइड लिया है प्लस
इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया है सिल्वर नाइट्रेट लिया है बच्चों, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड को हमने इलेक्ट्रोलाइट में ऐड किया, 1 drop ऑफ सिल्वर आयोडाइड हमने ऐड किया तो इलेक्ट्रोलाइट विच इज वी आर यूजिंग हियर सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो वहाँ पे जो कॉमन जो आयोन्स है वो सिल्वर है बच्चों, ठीक है, क्योंकि सिल्वर के साथ कॉमन है, आयोडीन के साथ कॉमन नहीं है ना, नाइट्रेट तो अलग है ना बिल्कुल। सो जो केटायन है पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर को सिल्वर है जो कि इसके ऊपर एडसॉप्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है। जिस तरह से इस तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 हम ड्रॉप लेंगे सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है, ये कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है। इसके ऊपर इसमें क्या आयोन्स जो कॉमन है, इसमें जो है एजी कॉमन है और एजी के साथ क्या डाला था हमने, नाइट्रेट डाला था ना, तो नाइट्रेट जो है डिफरेंट है, तो क्या करेगा ये जो सिल्वर आयोडाइड जो है इसका कॉमन सिल्वर है तो इसके ऊपर क्या होगा ले डिपोजिट होगा क्या सिल्वर एजी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना, ये पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो ये इसको हम कोला पॉजिटिव सोल कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह से बहुत सारे अगर दूसरा ड्रॉप डालेंगे तो दूसरा फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से ये कोलाइडल सॉल्यूशन में स्टेबल रहता है ड्यू टू द चार्ज कैरिड बाय द कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है बच्चों। देन वी हैव बहुत सारे चार्ज जो सोल जो होता है पॉजिटिव सोल होता है और नेगेटिव सोल होता है, ठीक है। ऑल द मेटल सोल जो भी मेटल सोल जैसे गोल्ड सोल है, सिल्वर सोल है, प्लेटिनियम सोल है, ये सारा पॉजिटिव नेगेटिव सोल होता है बच्चों, ठीक है। मेटल सल्फाइड का सोल भी नेगेटिव सोल होता है। इसी तरह से एसिडिक डाइस सोल ऑफ द स्टार्च गम जिलेटिन का सोल चारकोल एक्सेट्रा दिस ऑल आर नेगेटिव सोल बच्चों, ठीक है। तो आपको याद रखना है नेगेटिव सोल में कौन कौन से सोल आता है, मेटल सोल आता है, सल्फाइड मेटल सल्फाइड सोल आता है, एसिटिक डाइज आता है, फिश स्टार्च का सोल गम एंड जिलेटिन, ये सारा जो है नेगेटिव सोल होता है बच्चों। इसी तरह से पॉजिटिव सोल भी होता है, तो पॉजिटिव सोल होता है बच्चों हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रेटेड है, एल्युमिना हम इसको एल्युमिना कहते हैं। इसी तरह से आयरन का ऑक्साइड हाइड्रेटेड है बच्चों, यहाँ पे एक्स जो है एनी नंबर नंबर ये तो नंबर एक्स नंबर का रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है जो। एंड देन मेटल हाइड्रोक्साइड जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ऑल दिस आर पॉजिटिव सोल होता है बच्चों, ठीक है। बेसिक ड्राई स्टफ जैसे मिथिलिन ब्लू पर्शियन ब्लू ऑल दिस आर पॉजिटिव सोल। आपको याद रखना है पॉजिटिव सोल कौन सा होता है और नेगेटिव सोल कौन सा होता है, ये कई दफा पूछ लेते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है बच्चों। तो हीमोग्लोबिन जो है पॉजिटिव सोल होता है बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद जीटा पोटेंशियल, ठीक है। जीटा पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, जीटा पोटेंशियल द पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट एक्सिस्ट बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर, यानी कि जिस तरह से हमने अभी चार्ज वाला पार्टिकल चार्ज ऑफ द सोल किस तरह से फॉर्म होता है वो हमने देखा, ठीक है। उसमें क्या है थे? यहाँ पे मैंने एक चार्ट पे थोड़ा सा डायग्राम किया हुआ है, यहाँ पे देखो बच्चों, या सरफेस ऑफ द सोल सॉलिड मींस सरफेस ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल है बच्चों, ठीक है। और इसके नेक्स्ट सरफेस पे क्या एडसॉप्ट हो रहा है, जहाँ यहाँ पे है नेगेटिव एडसॉप्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है। दैट मीन्स द सोल इज नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। देन उसके बाद नेगेटिव ये जो चार्ज होता है जो कि फिक्स होता है उसको हम फिक्स लेयर कहेंगे बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद जो चार्ज होगा इसी का पॉजिटिव अपोजिट चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव लेयर में है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे चार्जेस होंगे सॉल्यूशन में बहुत सारे चार्जेस होंगे जो कि मिक्स होगा रैंडमली, मतलब मिक्सिंग होगा बच्चों चार्जेस का, ठीक है। इसको हम ये जो फर्स्ट लेयर है विच रिप्रेजेंट्स द चार्ज ऑफ द सोल को रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चों, उसको फिक्स लेयर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितने भी चार्जेस हैं इसको हम क्या कहेंगे ले डिफ्यूज लेयर, फर्स्ट वाले को डिफ्यूज लेयर कहेंगे, ठीक है बच्चों। देन इन दोनों के बीच में चार्ज जो कि फिक्स्ड है, एक तो फिक्स्ड है सपोज ये नेगेटिव चार्ज है जो कि कोलाइडल सरफेस के ऊपर है, फॉर एग्जांपल सिल्वर आयोडाइड हमने पहले भी अभी देखा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज सोल है तो इस लेयर को जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा इसको हम फिक्स लेयर कहते हैं बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद जो चार्ज
पार्टिकल आता है पॉजिटिव चार्ज, देन उसके बाद नेगेटिव चार्ज, इस तरह से पॉजिटिव भी हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरह से लेयर बनाते हैं, इस तरह से ये चार्जेस जो कि रेंडमली डिस्पर्स हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर, इन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस होगा उसको क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं बच्चों, ठीक है। Zeta potential is the potential differences between the charged particle in the of the fixed layer and the diffuse layer. Next property जो है electrical property है बच्चों, ठीक है। तो electrical properties में दो properties आते हैं, तो number one is electrophoresis, number second is electro osmosis, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक सोल लिया है जो कि आर्सेनिक सल्फाइड का सोल लिया है, ठीक है बच्चों। अब आर्सेनिक सल्फाइड का सोल लिया है तो इसका कलर जो है इलेक्ट्रोफ्रोसिस से पहले इसका कलर जो है बिल्कुल इस यूट्यूब में जो कलर है सेम होगा बच्चों, ठीक है। देन व्हेन वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस सॉल्यूशन दैट कलर ऑफ द सॉल्यूशन लिटिल बिट चेंज द इंटेंसिटी ऑफ कलर मैक्सिमम ओवर हियर बिकॉज द सॉल्यूशन वी आर यूजिंग हियर इज नेगेटिव सोल सो द चार्ज आर डिपोजिट ओवर हियर द कंसेंट्रेशन ऑफ द चार्ज इंटेंसिटी ऑफ चार्ज इज मैक्सिमम ओवर हियर। तो ये चेंज होगा बच्चों, यहाँ से कलर फेडेड होते जाएंगे और यहाँ पे कलर सब्सटेंस डिपॉजिट होगा सो दैट यहाँ पे ये पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो हमने इस यूट्यूब में लिया वहाँ से चार्ज ऑफ द सोल कौन सा है। अगर हम पॉजिटिव सोल लेंगे जैसे हम फेरिक हाइड्रोक्साइड लेंगे तो उस समय क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पहले कलर सेम होगा फिर उसके बाद द इंटेंसिटी ऑफ कलर यहाँ बढ़ेगा क्योंकि ये जो है सोल जो है पॉजिटिव सोल है तो यहाँ पे कलर का डिपॉजिट होगा डेंस, यहाँ पे कलर का डेंस इंटेंसिटी यहाँ बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद है सेकेंड इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में यहाँ पे तीन कंपार्टमेंट हमने लिया किया है, यहाँ पे ए कंपार्टमेंट, बी कंपार्टमेंट एंड सी कंपार्टमेंट। इन दिस कंपार्टमेंट, दिस ए कंपार्टमेंट में हमने क्या लिया है, सोल लिया है, ठीक है। तो सोल में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो अगर ए कंपार्टमेंट में सोल लिया तो दिस कंपार्टमेंट ए बी एंड सी इस पार्ट इसको सेपरेट किए हुए हैं किसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ इसको सेपरेट किए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो वहाँ से क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट पास होगा बच्चों, सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सपोज हमारा यहाँ पे जो सोल है ये जो है अगर पॉजिटिव सोल है, अगर पॉजिटिव सोल हो तो इसका डिस्पर्शन मीडियम जो है क्या होगा ले नेगेटिव होगा, ठीक है। उस समय क्या होगा, उस समय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस समय क्या होगा, यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे डिफ्यूज होगा बच्चों, ठीक है। सी से इस साइड आएंगे, मतलब सी कंपार्टमेंट से ए कंपार्टमेंट में जाएगा, फिर ए कंपार्टमेंट से बी कंपार्टमेंट में यहाँ से पेनिट्रेट होगा। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन हमने यूज किया है वहां से सिर्फ सोलवेंट ही पास होगा, सोल्यूट जो पास नहीं होगा क्योंकि कोलाइडल सोल का सोल्यूट पार्टिकल जो है मच लार्जर साइज होगा देन द सोलवेंट डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से डिस्पर्शन मीडियम का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से डिस्पर्शन पार्टिकल मूव हो रहा है तो यहाँ पे जो बी कंपार्टमेंट में जो वाटर का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, पहले बिल्कुल दोनों बराबर लेवल पे होता था तो बाद में जब प्रोसेस शुरू होता था, प्रोसेस शुरू होता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, उस समय जो अगर सॉल्वेंट जो है डिस्पर्शन मीडियम जो है नेगेटिव है, डिस्पर्शन पार्टिकल जो है पॉजिटिव है, उस समय यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज द डिस्पर्शन मीडियम, एंड फ्रॉम दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू बी कंपार्टमेंट एंड द वाटर लेवल रेस इन दिस बी कंपार्टमेंट एंड देयर इज डिक्रीज इन द वाटर लेवल इन दिस सी कंपार्टमेंट, ठीक है। अगर फिर अगर डिस्पर्शन मीडियम जो पॉजिटिव होगा तो यहाँ से वाटर यहाँ पास होगा, फिर यहाँ से वहाँ पे वाटर सी लेवल में वाटर ज़्यादा बढ़ जाएगा और बी लेवल से वाटर कम हो जाएगा बच्चों। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे कोगुलेशन बच्चों, और उसको फेकुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइड्स बाय रिमूविंग द चार्ज एसोसिएटेड विद द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन,
ठीक है, अब जो हमें पता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसको उसके ऊपर चार्ज होते हैं, तो अगर हम चार्ज को वहां से रिमूव करेंगे तो क्या होगा? ले फिर ये जो अनचार्ज पार्टिकल बन जाएगा, दोनों अनचार्ज मतलब एक दो दोनों को निकालें तो दोनों अनचार्ज पार्टिकल बन जाएगा, तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ले कोगुलेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो कोगुलेशन का जो मेथड्स है उसमें सबसे पहले है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी जो हम मैंने आप लोगों को बताया, इस तरह से एक यूट्यूब होता है जिसमें हम सोल लेते हैं, फिर ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम एड वो करते हैं तो सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का जो कलर चेंज होता है और एक साइड पे डिपॉजिट हो रहा था अभी हमने देखा। ठीक है, ये जो यहाँ पे डिपॉजिट होने का मतलब ये है कि कलर सबसे यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कोगुलेशन हो रहा है बच्चों। ठीक है, इसको हमने थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोगुलेशन को देन बॉइलिंग एंड द फ्रीजिंग है ना, नेक्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग एंड द फ्रीजिंग। सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल में यहाँ पे लेना चाहूंगी कि एक है ना जो हम अंडा जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है पहले, ठीक है बच्चों, इसको हम हीट करेंगे यानी कि हम बॉयल करेंगे, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये जो है एक जो है बॉयल हो जाता है तो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मतलब बॉयल करने से कोगुलेशन फॉर्म हो रहा है, जो कि लिक्विड में है उसको हमने प्रेसिपिटेट में फॉर्म किया तो सॉलिड बन गया, तो यहाँ पे कोगुलेशन हो रहा है बाय बॉइलिंग। ठीक है, देन फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगी, हम लेते हैं कंटेनर जिसमें हम क्या डालेंगे, ले वाटर है, इसमें वाटर है। ठीक है, वाटर के साथ हम इसमें आटा डालेंगे बच्चों। ठीक है, आटा पता है ना सबको, आटा पता होगा, आटा डालेंगे तो वो सॉल्यूशन बनाएंगे उसका। ठीक है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है बच्चों। ठीक है, देन उसको हम अगर फ्रीजर में रखेंगे तो क्या होगा, ले वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर फ्रीज हो जाएगा और आटा नीचे रह जाएगा, तो प्रेसिपिटेट वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से फ्रीजिंग ड्यू टू द फ्रीजिंग कोगुलेशन होगा। ठीक है, देन एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट की वजह से भी कोगुलेशन होता है, जिस तरह से अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कि लाओफिलिक सॉल्यूशन है, क्या है बच्चों, यहाँ पे है ये सोल है जो कि लाओफिलिक सॉल्यूशन है। ठीक है, सोल है, लाओफिलिक सोल है, इसमें अगर हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे जैसे हम अल्कोहल ऐड करेंगे या एसीटोन ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ले यहाँ पे लाओफिलिक है ना, तो यह वाटर के साथ इंटरेक्शन होगा पार्टिकल्स का, सोल कोलाइडल पार्टिकल्स का। ठीक है, तो वहाँ से अल्कोहल और एसीटोन ऐसे सॉल्वेंट हम ऐड करने से वहाँ से क्या हो जाएगा, ले डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा लाओफिलिक। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, अगर यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा ये सॉल्वेंट के साथ कंबाइन होकर रिमूव हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, लाओफिलिक जो सॉल्यूशन है वो जो कि सोल है वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस वजह से भी कोगुलेशन होता है सॉल्वेंट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट जो है एडिशन ऑफ सोल। अगर हमारे पास एक सोल है, सपोज वी हैव सोल, ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला सोल जो है नेगेटिव सोल है। ठीक है, नेगेटिव सोल है, अगर मान लेते हैं ये है हमारा आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है। ठीक है बच्चों, तो इसमें इस सोल में हमने क्या ऐड करना है, ले हमने पॉजिटिव वाला सोल ऐड करना है, दैट इज मान लेते हैं हम आयरन का हाइड्रोक्साइड सोल लेंगे, फेरिक सल्फाइड। ठीक है बच्चों, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर ये इसमें ऐड करेंगे, ये पॉजिटिव सोल है ये नेगेटिव सोल है, तो वहां पे क्या होगा, ले इस तरह से होगा, ये नेगेटिव सोल है हमारा। ठीक है बच्चों, ये वाला है पॉजिटिव सोल, यहाँ पे क्या होगा, ले चार्ज जो दोनों चार्ज जो जो कि सोल के ऊपर चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, ले वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज होने के बाद ये जो पार्टिकल जो जैसे ये है आर्सेनिक सल्फाइड है, ये है हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है ना, ये दोनों अपने अपने मतलब सेपरेट प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी कोगुलेशन होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम किसी सॉल्यूशन में जैसे यहाँ पे हमने
सोल है, ये हमारा सोल है, ठीक है, ये हमारा सोल है। इसमें अगर हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज होगा और नेगेटिवली चार्ज होगा, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है बच्चों, ये सारा अगर ऐसा हम इसमें ऐड करेंगे, अगर सपोज मान लेते हैं ये पॉजिटिव सोल होगा तो ये इसमें नेगेटिव जो इसमें जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ले डिस्चार्ज ऑफ पॉजिटिव होगा नेगेटिव के साथ कंबाइन होके, फिर ये जो सोल पार्टिकल जो है अनचार्ज हो जाएगा, फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा यानी कि कोगुलेशन फॉर्म होगा, यानी कि नीचे पूरे के सेटल डाउन हो जाएगा नीचे पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक है गोल्ड नंबर बच्चों, ठीक है, गोल्ड नंबर जो है उसको हम डिफाइन करेंगे, वे नंबर ऑफ एक्स मिलीग्राम ऑफ लाओफिलिक सोल इज एडिड टू 10 ml लाओफोबिक कोलाइडल सोल टू प्रिवेंट द कोगुलेशन व्हेन द 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडिड, ठीक है बच्चों। अब ये एक ऐसा नंबर है जो कि मिलीग्राम में लेना है बच्चों, ठीक है, सपोज ये है हमारा सोल जो कि 10% है, 10 ml है, और ये है हमारा किसका सोल्ट है, गोल्ड का सोल्ट है, ठीक है, तो इसमें अगर हम NaCl डालेंगे, यानी कि NaCl डालेंगे 10% ऑफ NaCl, 10 ml, कितना ml डालेंगे, 1 ml ऑफ 10% ऑफ NaCl डालेंगे, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये जो सोल है लाओफोबिक सोल है बच्चों, ठीक है। अब इस प्रेसिपिटेट को रोकने के लिए, इस प्रेसिपिटेट को फॉर्म नहीं होने के लिए, मतलब रोकने के लिए हमने क्या ऐड करना है, लाओफोलिक सोल ऐड करना है, ठीक है, तो लाओफिलिक कितना ऐड करना है, दिस दैट नंबर इज नोन एज गोल्ड नंबर बच्चों। इस यहां देखो एक रिलेशन मैंने यहां पे बना है, गोल्ड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स ml और एक्स मिलीग्राम ऑफ लाओफिलिक सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इनटू 10, क्योंकि 10 इसलिए इनटू किया है क्योंकि ये 10 ml में हम बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सपोज यहाँ पे एक है, ये सोल है गोल्ड सोल है, ठीक है, ये है गोल्ड सोल, ठीक है, इसको अगर हम इसमें NaCl डालेंगे तो क्या होगा, ले प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो इसका चार्ज है वो ले लेगा, ये एनायन, ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। इसको रोकने के लिए हमने क्या ऐड किया, ले लाओफिलिक सॉल्यूशन ऐड किया, कितना ऐड किया, ले मिलीग्राम में ऐड किया, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा, मतलब थोड़ा सा भी हम लाओफिलिक ऐड करेंगे तब भी वो प्रोटेक्ट करेगा, प्रेसिपिटेशन फॉर्म होने नहीं देगा, इस तरह से लेयर फॉर्म करेगा बच्चों, ठीक है, तो उसको हम गोल नंबर कहते हैं। तो गोल नंबर इज इक्वल टू ये रिलेशन है, इसमें अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को पूछेगा तो जैसे यहाँ पे सिंपल सा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन मैंने लिया है, 10 ml ऑफ कोलाइडल कोलाइड एडिड टू द 100 ml ऑफ द गोल्ड सॉल्यूशन टू स्टॉप द कोगुलेशन, व्हाट विल बी द गोल्ड नंबर, देन अगर गोल्ड नंबर को हमने निकालना है तो यहाँ पे कितना हम ले रहा है, 10 ml ले रहा है, तो डिवाइडेड बाय 100 करना है, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 n इंटू 10, तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद गोल्ड नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। देन गोल्ड नंबर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोटेक्टिव कोलाइड्स बच्चों, ये भी एक रिलेशन होता है गोल्ड नंबर का, इस बेसिस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछ सकता है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये सरफेस केमिस्ट्री का यूनिट खत्म हुआ बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा, थैंक यू।